वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 सितंबर 2018 और 28 सितंबर 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने अनअकैडमी पे अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण से सम्मानित किए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रुकिए, यहाँ पे अभी एक और फैक्ट आपको याद रखना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ये दोनों लोग संयुक्त रूप से यूनाइटेड नेशन के सर्वोच्च पर्यावरण से सम्मानित किए गए हैं। अकेले प्रधानमंत्री मोदी नहीं सम्मानित किए गए हैं, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये सम्मानित किए क्यों गए हैं? तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक नाम आपके सामने बताया था, ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसी की वजह से प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रोन को सर्वोच्च पर्यावरण से सम्मानित किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं ISA के बारे में। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये है क्या? तो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और मकर रेखा को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अच्छा, कर्क रेखा कितना डिग्री होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा होती है। इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कंट्रीज हैं उनमें सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ता है। तो प्रधानमंत्री मोदी 2015 में फ्रांस के पेरिस में वेवली स्टेडियम में भाषण दे रहे थे, उसी टाइम प्रधानमंत्री मोदी ने इन कंट्रीज को सूर्य पुत्र के नाम से संबोधित किया था और तब बना था ये ISA। अब बनाया क्यों गया? जिससे कि सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ISA बना है और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने सर्वोच्च पर्यावरण से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बचता है कि ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आप याद रखिए, ISA का हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 39,000 लाइक का। आपने टारगेट पूरा किया और बहुत सही टाइम से पूरा किया, लेकिन हम टारगेट ये रखते हैं कि ये टारगेट दिन में 12 बजे तक पूरा हो जाए। तो आज फिर हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 39,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इसे लाइक जरूर किया करो, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपसे भी बोलता हूं कि मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया है? तो ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है पश्चिम बंगाल के कालीकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पे। अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आप इमेज में देखिए, ये है अस्त्र मिसाइल और इसका अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है कालीकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पश्चिम बंगाल में। अब ये परीक्षण पश्चिम बंगाल में किया गया है, तो आप मैप में देखिए, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप याद रखिए, हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी। तो इतना आप पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धारा 497 यानी कि अडल्ट्री को किसने समाप्त किया है? तो अभी हाल ही में सेक्शन 497 को समाप्त किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, तो अब इस पर बहुत ज्यादा बहस होगी
और बहस होगी तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 497 है क्या। तो ये अडल्ट्री है और हिंदी में कहें तो व्यभिचार, यानी कि आफ्टर मैरिज जो इलीगल रिलेशन होते हैं उससे रिलेटेड है सेक्शन 497, और इसको अभी हाल ही में समाप्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आफ्टर मैरिज जो लड़के के लड़की के साथ और लड़कियों के लड़कों के साथ जो इलीगल रिलेशन होते हैं उसी से रिलेटेड था ये सेक्शन 497, और इसको अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त किया है। अब मैं आपको एक आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। ये मेनली लॉयल्टी के लिए था 497। अब लॉयल्टी क्या होता है, किसी की भी अगर आपको लॉयल्टी चेक करनी है, अगर आपको अपने पार्टनर की लॉयल्टी चेक करनी है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि जब उसके पास कोई ऑप्शन हो उस टाइम आप लॉयल्टी चेक करिए। नॉर्मल केस में आप चेक करोगे तो आपको तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब आपको दिखे कि उसके पास कोई ऑप्शन है और आप बिल्कुल कंफर्म है कि उसके पास ऑप्शन है, उस टाइम आप लॉयल्टी चेक करिए। जानबूझ के गुस्सा करिए, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दीजिए और उस टाइम आप लॉयल्टी चेक करोगे। अगर उस टाइम जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो परफेक्ट रिजल्ट होगा। मैं यहाँ पे 497 की बात आ रही है इसलिए पार्टनर की बात कर रहा हूँ। आपको अपने फ्रेंड की भी लॉयल्टी चेक करनी है तो यही बेस्ट तरीका होता है किसी की भी लॉयल्टी चेक करने का। जब उसके पास ऑप्शन है उस टाइम आप लॉयल्टी चेक करिए, आपको हमेशा परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 27 सितंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व पर्यटन दिवस यानी कि इस बार के विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है। ये थीम बहुत पूछी जाती है तो थीम आप जरूर नोट किया करो। इस बार के विश्व पर्यटन दिवस की थीम है टूरिज्म एंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इस बार के वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम है टूरिज्म एंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन और बनेगा कि इस बार के विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो इसकी मेजबानी कर रहा है इस बार हंगरी, तो ये भी आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने मोरक्को के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये समझौता मोरक्को के साथ हुआ है तो आप मैप में देखिए, ये है मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल है रबात, मोरक्को की करेंसी है मोरक्को दिरहम, और मोरक्को के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं एस उथमानी। अब इस क्वेश्चन में एक टर्म और आया है एमएसएमई, इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और प्रेजेंट टाइम पे हमारे एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ सहमति जताई है। तो अभी हाल ही में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने ओमान के साथ सहमति जताई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, हमारी प्रेजेंट टाइम की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अब ये द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए ओमान के साथ सहमति जताई है भारत ने, तो आप मैप में देखिए, ये है ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट, ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल, और ओमान के प्रेजेंट टाइम पे सुल्तान कौन है, कबूस बिन सैद अल सैद। तो इतना आपको ओमान के बारे में भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की वैश्विक सूची में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है। तो अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की एक वैश्विक सूची जारी की गई है। पहले तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि इसमें टॉप 250 में इंडिया का कोई भी नहीं है, टॉप 250 में इंडिया का कोई भी नहीं है, लेकिन इंडिया के जो भी इंस्टीट्यूट इसमें है उसमें टॉप पे है IISc बेंगलोर। अब ये समझ में नहीं आया होगा, ये जो लिस्ट जारी की गई है इसमें टॉप 250 में इंडिया का कोई भी नहीं है, लेकिन अगर इस लिस्ट में केवल इंडिया के देखोगे तो इंडिया के जो शामिल हैं उसमें टॉप पे है IISc बेंगलोर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इंडिया का तो IISc बेंगलोर है, लेकिन इसमें टॉप पे कौन है ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसमें टॉप पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सेकेंड नंबर पे है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और थर्ड नंबर पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो टॉप थ्री आप याद रखिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि इस लिस्ट में जो इंडिया के शामिल हैं उसमें कौन सा ऊपर है, तो वो है IISc बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF से सर्वाधिक ऋण लेने वाला देश कौन सा बना है। तो ये बन गया है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में IMF से $57 अरब का ऋण लिया है, और इसी के साथ IMF से सर्वाधिक ऋण लेने वाला देश बन गया है अर्जेंटीना, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी अर्जेंटीना बना है तो आप मैप में देख लीजिए, यह है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स,
अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीना पीसो, और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, मॉरिसियो मैक्री। तो इतना आपको अर्जेंटीना के बारे में भी याद रखना है। अब यहाँ पे एक टर्म और आया है आईएमएफ, इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, वाशिंगटन डीसी में। एक क्वेश्चन और पूछा गया था आईएमएफ से, आईएमएफ की प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है, तो क्रिस्टीन लेगार्ड है प्रेजेंट टाइम पे आईएमएफ के सीईओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ह्यूमन कैपिटल रैंकिंग में किस देश को प्रथम स्थान मिला है। तो अभी हाल ही में ह्यूमन कैपिटल रैंकिंग जारी की गई है, और इस रैंकिंग में फर्स्ट स्थान मिला है फिनलैंड को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब फिनलैंड है टॉप पे, तो पहले आप मैप में देखिए, ये है फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। फिनलैंड की करेंसी है यूरो, और फिनलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, साउली निनिस्टो। अच्छा, नाम फिनलैंड का आया है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, आया नहीं होगा शायद। मैंने आपको बहुत जोर देकर बताया था फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी में अमेरिका के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति के बीच पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, और ये बहुत बड़ी घटना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहला शिखर सम्मेलन हुआ है फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी में। इसीलिए मैं बोलता हूँ पुरानी चीजों को आप रिवाइज जरूर कीजिए। यहाँ पे फिनलैंड का नाम आया तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कौन सा राज्य 2 अक्टूबर को पेंशन योजना शुरू करेगा। तो ये शुरू करेगा असम, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर असम एक सार्वभौमिक पेंशन योजना शुरू करेगा। अब ये असम शुरू करेगा तो मैप में देख लीजिए आप, ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। अच्छा, नाम असम का आया है तो एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आना चाहिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो ये असम में है। और यहां पे ऐसे भी पूछ लेता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और कभी कभी क्वेश्चन उल्टा पूछ लेता है, एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो ये काजीरंगा प्रसिद्ध है। अब नाम एक सींग वाला गेंडा आ गया, तो एक सींग वाला गेंडा भारत में कहां कहां पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो असम और पश्चिम बंगाल, ये 2 राज्य हैं यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। इसी तरह से चेन बनाकर आप याद करने की कोशिश किया करो, लिंक एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करके जब आप याद करने की हैबिट बना लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हॉकी की आवाज के रूप में प्रसिद्ध किस कमेंटेटर का निधन हो गया। तो ये है जसदेव सिंह, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, और ये भारतीय हॉकी की आवाज के रूप में प्रसिद्ध थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है जसदेव सिंह, और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनको भारतीय हॉकी की आवाज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस देश की टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अपस्ट्रीम कॉमर्स का अधिग्रहण किया है। तो ये इसराइल की एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप थी अपस्ट्रीम कॉमर्स, इसका अभी हाल ही में अधिग्रहण कर लिया है फ्लिपकार्ट ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी इसराइल की है तो मैप में देखिए आप, ये है इसराइल। इसराइल की कैपिटल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है इसराइल की कैपिटल, यरूशलम। इसराइल की करेंसी है इसराइली न्यू सेकल, और इसराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। इतना आप इसराइल के बारे में याद रखिए, और कैपिटल आप जरूर याद रखना, इसराइल की कैपिटल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में वर्ल्ड फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता लुका मॉड्रिक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जनधन दर्शक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 39,000 लाइक का।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।